और लाहौर से अमृतसर है कितना 40 मील, और 40 मील में बैटिंग का इतना फर्क पड़ जाता है, और मैं समझता हूँ कि हम क्या चीज गलत कर रहे हैं। सूर्या कुमार यादव का जो प्लस पॉइंट है ना, वो अपनी नेचुरल गेम से नहीं हटता, जो मर्जी हो जो अपने आप को बैक करता है, कि उसके जोन में जो बॉल होती है ना वो मारता है, उसी इतनी भी शॉटें मारता है, वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की है, उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है, तो मुझे दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल में ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार इन फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। जय हिंद दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत की जीत के बाद में क्या क्या बातें चल रही है। वसीम अकरम, शहीद अफरीदी से लेके हर कोई भारत के जो मुरीद बने बैठे हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफें करते थक नहीं रहे, उनके रिएक्शंस यहां पे देखेंगे, उनके मीडिया चैनल्स पे उनके क्या क्या बातें चल रही है, वो किस तरीके से सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और सारे जो भारतीय खिलाड़ी है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको प्रेज करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए। तो समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को और मिलते हैं आगे में हम। तब तक के लिए आप इस वीडियो का मजा लीजिए। हाँ, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बीच में छोड़ना, क्योंकि बहुत मजेदार कमेंट्स यहाँ पे हमें सुनने के लिए मिल रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटरों से। जाते जाते वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल जो आइकन है ना वहाँ पे उसको भी दबा देना, मतलब आने वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन है ना आपको इमीडिएट मिल जाएगा। तो मिलते हैं। यादव ने आज भी एक बेहतरीन इनिंग खेली, लाइक पता नहीं वो एक 360 डिग्री प्लेयर होता है, ये तो कोई 720 डिग्री प्लेयर है, यानी वो जैसे जैसे शॉट इन्वेंट कर रहा है ये बंदा। सूर्य कुमार यादव ने आज भी एक बेहतरीन, सूर्य कुमार यादव की बात की अदिल, दिस इज व्हाट वी से डोमेस्टिक डोमेस्टिक डोमेस्टिक, उन्होंने डोमेस्टिक में 233 T20s खेले हुए हैं, राइट, ही इज एक्सपीरियंस, उन्होंने डोमेस्टिक में खुद को पॉलिश किया हुआ है प्रॉपर्ली, बॉलर कहीं भी बॉल करता है वो कहीं से कहीं अपना शॉट बना लेते हैं, उनके सामने बॉलर को समझ नहीं आता कि वो बॉल डालें किधर, जहां से जो है वो हिट आउट आता है। अच्छा पता है ये लाला बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज सूर्य कुमार जिन्होंने बात बताई कि वो इतना फ्लेक्सिबल प्लेयर है, क्या है मुझे नहीं पता, वो हर जगह की बॉल को कहीं पे भी प्लेस कर सकता है। एक बार रिजवान से हमारे हुज़ैफ़ा हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, उन्होंने एक बार ये सवाल पूछा था कि रिजवान आप बहुत लेग साइड के प्लेयर हैं, आपको तो बहुत जल्दी टीमें आप पे होमवर्क, तो रिजवान ने कहा था यार मैं तो ऐसे ही खेलता हूं और मुझे तो काश हमारे पास वो क्लिप होता, मैं आपको सुनवा भी देता। लेकिन यही फ्लेक्सिबिलिटी रिजवान को अपने गेम में लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो कहते ना जी मेरे हो जाते हो आप, बिल्कुल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो तो पकड़ लेगा, खत्म हो जाएगा करियर उसका अगर यही वाला सिलसिला। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी सवेरा ने कही है कि 200 225 मैचेस खेल के उसके बाद वो इंडिया टीम में आया और खेल रहा है, राइट। देखिए एक तो ये है कि उस लड़के को अपनी गेम का पता है, राइट, उसने जितनी भी शॉटें मारता है वो ज्यादातर अच्छी बॉलों पे भी शॉट मार देता है, क्योंकि उस चीज की उसने प्रैक्टिस की है, उसको पता है कि मुझे मैच में ये बॉलें भी आनी है, तो मुझे शॉट जितना आप अपने गेम के अंदर निखार, जितनी स्किल आपके पास होंगी आप उतने अच्छे इंपैक्ट वाले प्लेयर होंगे, तो आपको तो डेवलप करने पड़ेंगे शॉट। ये तो वो फॉर्मेट है जिसके अंदर उल्टा भी छक्का मारना है, सीधा भी छक्का मारना है, तो जितने आपके पास शॉट्स होंगे उतना रन्स आपके पास जो है ना वो इजी आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल लाला, चमन गिल की इनिंग्स के बारे से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है, और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, आप बाबर आजम को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परमेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे, और मुश्किल पिच पे रन करने वाले आप देख रहे, कोई प्रेशर नहीं होता, और फिर आपका जो मेन रीजन था वो ये था कि रन रेट बेटर करना है, आपका इंटेंट वो होना चाहिए। लेकिन सूर्या कुमार यादव का जो प्लस पॉइंट है ना, वो अपनी नेचुरल गेम से नहीं हटता, जो मर्जी हो जो वो अपने आप को बैक करता है, कि उसके जोन में जो बॉल होती है ना वो मारता है। उसी सलीम भाई भी बात कर रहे थे, यार देख इसने शफल किया और इधर छक्का मार दिया, ये उसका स्ट्रॉन्ग जोन है, वो करता क्या, वो थोड़ा सा इधर आता है, उसी अच्छे बॉल को वो बैट बॉल बना लेता और वो मारता है, और फिर वो बॉलर को पजल करता है। अब जब उसने एक शॉट मारा ना, तो अगला बॉल उसने क्या किया, थोड़ा सा लेग स्टंप पे आ गया कि वो बायर करे तो मैं यूं मार दूंगा। तो इंटेंट की बात है कि आप बॉलर को कैसे जो है ना बैकफुट पे लेके जाते हो। और सिर्फ को स्काई का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया। He is totally different than anybody else. I mean, the amount of runs he's got this year, I think he's the only batter with 1000 runs in T20 in 20. And then of course, Sky का आपने जिक्र किया, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से आया। ये वो वाला स्टूडेंट है, आप स्कूल में जाए ना तो आपने सारा होमवर्क किया हो, आपको पता हो कि यार मैं आई एम फुली प्रिपेयर्ड, तो जब आपके मास्टर साहब पूछते हैं ना नाम ले गए, तो सबसे पहले आवाज़ आती है जिसने सारे काम किए, हाजिर जनाब, राइट, ये वो है।
कि मतलब उसने पूरा होमवर्क किया हुआ है, उसको पता है कि मैंने, और मिडिल ऑर्डर में खेलना आई गेस ही इज द प्राइम एग्जांपल कि ये दूसरों के लिए भी बहुत अच्छा लेसन है कि जहाँ से फील्डर ऊपर आता है वो उसको वहाँ टारगेट करता है, ठीक है, क्योंकि उसे भी पता है ऐसा नहीं हो सकता रोज़ रोज़ ये चार बॉलों पे चार छक्के नहीं लगते, छः नहीं लगते, तीन नहीं लगते, क्योंकि बॉलर्स हैं वो भी वेरिएशन बहुत सारी करते हैं, तो उसकी यूटिलाइजेशन ऑफ इज शॉट्स सिलेक्शन इट्स ब्यूटीफुल। और उसने उस पर, हम लोगों ने उस दिन उसका इंटरव्यू भी देखा था कि उसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है, तो इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ कि जब मैं ऐसे गिल जैसे प्लेयर को बॉलिंग करता हूँ इवन T20 फॉर्मेट में, इट्स लाइक बैक बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर इन वन डे क्रिकेट इन फर्स्ट 10 ओवर्स, 15 ओवर जब दो फील्डर अलाउ थे। अगर मैंने जयसूर्या को या कालू विरत्ना को बॉलिंग करनी है तो मुझे पता है मेरे पास चांस है, मैं आउट कर सकता हूँ, बिकॉज वो हर गेंद पे मारते हैं। सचिन या गिल टाइप जो प्लेयर है मुझे पता है इन्होंने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स मारनी है, और आई थिंक ये वो वाहिद प्लेयर है जो मैंने आजकल प्रेजेंट क्रिकेट में देख रहा हूँ जो तीनों फॉर्मेट में स्कोर करेगा और कंसिस्टेंटली करेगा। So yeah, that's very important. मेरे ख्याल में he's a future superstar, in fact, of the world cricket. जय हिंद दोस्तों, तो देखा आपने कल की मैच, काफी मजेदार मैच, बरसात की वजह से थोड़ा सा डीले हो गया जीतने में, थोड़ा सा मैच का रोमांच कम हो गया क्योंकि मैच जो था वो पूरा ना हो पाया, बैटिंग की जो देखने की हमारी चाह थी इंडियन बैट्समैन की वो हम शायद पूरी तरह से देख नहीं पाए, लेकिन जितना भी 7 ओवर के आसपास हमने देखा है मैच, काफी मजेदार बैटिंग का मुजाहरा वहां पे भारतीय क्रिकेटरों ने किया है, शुभमन गिल अपने और सूर्या ऑलवेज द स्काई, इतना सही बैटिंग, इतना बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन उन्होंने किया है और भारत को ये सीरीज एक अजय बढ़त दिला दी है 2-0 की, और साथ ही साथ सीरीज अपने नाम कर दी है, फॉर्मेलिटी लास्ट मैच की है वो भी हो जाएगी। और कल जो बैटिंग का मुजाहरा किया, एक टू द पॉइंट बैटिंग, इतना एग्रेशन, इतना सब 200 के ऊपर के सबके ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट्स थे, तो मैच तो जीतना ही था। जहां पे हमें देखने को मिला शुभमन गिल का एलिगेंस और सूर्या का स्किल, हाँ सूर्या का स्किल, वो स्किल है, वो बैटिंग नहीं करता, वो अपना स्किल का मुजाहरा करता है, ही इज अ आर्किटेक्ट। और फिर से वही बात है कि सूर्या ही इज नॉट अ 360 प्लेयर, ही इज मोर देन 360 प्लेयर, इज 72 समथिंग जो भी है, सब पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही थी जो आपने सुना अभी, और काफी मजा आया ये सब देखते हुए। अच्छा लगता है जब कहीं पे इतनी अच्छी बातें हमारे खिलाड़ी के बारे में सुनने के लिए मिलती हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये वीडियो के बारे में कमेंट्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा, हमारी फैमिली बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।